नमस्कार। इसी श्रृंखला में आप देखते हैं जो चौथा बचा स्टेट है नॉर्थ का, हरियाणा पंजाब हिमाचल हमने देख लिया, उत्तराखंड, राजस्थान का भी रिजल्ट आ चुका है, बट उससे ऐसे शीट तैयार होने में समय लग रहा है। और ये फिल्टर मैंने ऐसे लगा रखा था, ये फिर हटा देता हूँ, ये पूरी शीट है। और उत्तराखंड की जो एक्सेस शीट है ना, वो बड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ना वो सारी ऑप्शंस भी दिखाई देती हैं जो बच्चे ने भरी थी, और उससे बहुत हमें आइडिया रहता है। पहले तो सरकारी की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हिमाचल के बाद नॉर्थ के लिए उत्तराखंड दूसरा एक अच्छा कॉलेज है सरकारी सीट पाने के लिए। तो अगर मेरे को सरकारी कॉलेज चाहिए, तो जिसका कि मैं ये चार यहाँ पर हैं, चारों मैंने फिल्टर करे, राइट, तो ऑफकोर्स स्टेट कोटा में आएगा। और अगर मैं एलोकेटेड कैटेगरी जनरल देख लूँ, जस्ट टू हैव अ कंपेरिजन कि किस मार्क्स पे मिलती है, तो आखिरी सीट फिलहाल 590 नंबर पे एलोकेट हुई है। डेफिनेटली उत्तराखंड का भी जो बिल्कुल टॉपर होंगे वो शायद ये हामा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इन्हें कुछ बेटर कॉलेज मिलेगा तरह उत्तराखंड से बाहर निकल के, क्योंकि बहुत जल्दी ही तो टॉपर ये उत्तराखंड का वही नीट रैंक 5,000 वाला है, तो कोई 600 690 वाले के नहीं है। तो पहले 7 8 10 को छोड़ के कोई बाहर जाने वाला नहीं है। फिर से आपको आइडिया लग जाता है कि सरकारी कट ऑफ नहीं गिरेगी। तो अगर 590 नंबर इस समय है यूआर जनरल के, तो 588 85 मैक्सिमम जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो लोग उसके हिसाब से तैयारी करें। अलग अलग कैटेगरी में देखें तो जनरल में वुमन का अलग था, तो उसमें एक नंबर है जो कम हो गया। इस तरह यहाँ पर एक सीट होती है जो कि कश्मीरी माइग्रेंट चलता है, वो 2 4 सीटें आ गई हैं, फिर स्पेशल कोटा है। उत्तराखंड में काफ़ी बसे हुए हैं ना जो हम जिन्हें कश्मीरी माइग्रेंट बोलते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है प्रॉपर। और बाकी अगर हम एससी को देखें, जैसे हर स्टेट में होता है, 424 तक में आपको एक शेड्यूल कास्ट को मिल रही है सरकारी सीट, तो फिर भी गवर्नमेंट के मुकाबले काफ़ी फर्क है। एससी में काफ़ी गैप है, और एसटी का बात करेंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी नीचे चला गया, 400 के भी नीचे। अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं प्राइवेट की, राइट। खास करके ऑल इंडिया कोटा, अब आप देखिए क्या है। थोड़ा मैं हैरान हूँ एक्चुअली, जो बिल्कुल प्राइवेट का टॉपर बच्चा है, जिसका नाम भी लिखा हुआ है वरिंदा जैन जी, इन्होंने श्री गुरु राम राय प्रेफर किया फर्स्ट चॉइस, अक्सर हिमालयन जॉली ग्रांट ही होता है। और अब यहाँ से लाइन देखोगे एलोकेटेड कॉलेज, तो मोस्टली आपको जॉली ग्रांट नजर आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें ना देखो, क्योंकि फिल्टर ऐसा लगा दिया है ना कि हर एक की फर्स्ट चॉइस है वो जॉली ग्रांट ही है। अगर मैं इसे खोलूंगा ना, तो उसमें ऑप्शन प्रेफरेंस है ना। अभी हम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे, जब श्री गुरु राम ने ज़्यादा आएगा, अभी तो लाइन लगा के आपको ज़्यादा जॉली ग्रांट ही मिलेंगे, तो उससे यही पता चलता है कि सबकी पसंद जॉली ग्रांट है। इस बंदे को इसने श्री गुरु राम ने फर्स्ट चॉइस रखी थी, मैंने कहा दूसरा ऐसा आ गया। फिर ये अब ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया कि मांगा था जॉली ग्रांट, मिला है श्री गुरु राम राय, मांगा था जॉली ग्रांट, मिला है श्री गुरु राम राय, और काफी देर तक ऐसे चलता रहेगा कि मांगा किसी ने मांगी श्री गुरु राम राय, लिया तो उसको भाई मिल गया, जैसे कब नंबर है। और काफी हद तक अभी श्री गुरु राम राय ही चलता जाएगा, श्री गुरु राम राय। तो अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 352 पे कट ऑफ है इस समय श्री गुरु राम राय की। ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो काफ़ी गिर गई है पिछले साल से, 3,11,000 आ गई है। याद कीजिए सेम नंबरों पे इस समय इस साल आपसे ऊपर 70 80 हज़ार बच्चे हैं। तो अगर आप रैंक के हिसाब से देखेंगे तो हम बहुत नीचे आ गए हैं। मतलब जो श्री गुरु राम राय 2 2 2.5 लाख पे ख़त्म होता था लास्ट ईयर तक, वो अब 3,11,000 पे आ गया राउंड वन में। और वजह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अमृता जो ऊपर के बच्चे सारे ले गया है,
तो उससे प्रेशर पड़ रहा है मौलाना में और श्री गुरु राम राय में, जॉली ग्रांट जॉली ग्रांट है, तो उसने फिर भी अपनी इज्जत रखी है। और उसकी जो आखिरी सीट थी वो 426 नंबर पे थी और कुछ 1,80,000 रैंक पे थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे लास्ट बच्चा जिसको जॉली ग्रांट मिला है वो फिलहाल ऊपर है, तो लोग ये भी कहते हैं। और देखिए अक्सर ऐसा होगा उत्तराखंड में, चूंकि राउंड 3 तक अपग्रेड अलाउड हो गया इस साल, अवनी लास्ट बच्ची है 436 नंबर, 1,80,000 रैंक, तो उत्तराखंड में ये भी हो सकता है कि लोग श्री गुरु राम राय भी लेंगे और अपग्रेड के लिए मारेंगे जॉली ग्रांट। इशू ये होगा कि आपको पैसा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको राउंड 1 का पैसा रिफंड होगा महीने बाद, राउंड 2 का देना पड़ेगा इमिजिएटली। तो जो भी लोग इस चक्कर में जब अपग्रेड लेंगे, फिलहाल श्री गुरु राम राय ले लेते हैं, राउंड 2 में जॉली ग्रांट के लिए अपग्रेड करेंगे, तो आप ये सोच के रखिए कि आपके पास 25 और 25 50 लाख का बैंक में इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि तो जो आप राम राय को भी 25 दोगे, अगर राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन हो गया तो वो तो महीने बाद वापस आएंगे, लेकिन आपको जॉली ग्रांट में तुरंत देने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्राइवेट कॉलेज है, ये ज़्यादा मैनेजमेंट सीट मैंने बताई, ओपन बच्चों के लिए, जो बाहर के बच्चे अप्लाई करते हैं। अभी भी इसी कट ऑफ 252 है और पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और मैं यही कहूँगा कि फिर से जो मैंने खुल के अपने वीडियोज़ में भी कहा है कि दिस इज़ नॉट अ ग्रेट कॉलेज टू स्पेंड 90-95 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़। 3 साल पहले खुला, उससे अच्छा तो यूपी का तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद ले लो। अब एमएमयू सोडापुर भी आ गया जो उससे बेटर ही काम करेगा, और मेरा वही मानना है कि शायद ये लोगों ने वही भरा, सेम फ्री एग्जिट होता है राउंड 1 में, तो लोगों ने भर दिया है। बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें से कितने लोग हैं जो रिपोर्ट करेंगे। और ख़ासकर ये सब बच्चे देखिए जो अच्छा खासा 300-350 नंबर वाले हैं, सब अभी जब यूपी का रिजल्ट आएगा तो काफ़ी इनमें से लोग हैं जो यूपी की तरफ चले जाएंगे। और सभी का देखिए फर्स्ट चॉइस मोस्टली का हिमालयन था, बट काफ़ियों का श्री गुरु राम राय भी था, तो श्री गुरु राम राय ऑल्सो सीम्स टू बी ए गुड कॉलेज। ओके, और जॉली ग्रांट तो जैसा आपने देख ही लिया काफ़ी ऊपर कट ऑफ खत्म हुई है, 3 ही कॉलेज हैं उत्तराखंड में, तीनों देहरादून शहर में हैं, हिमालयन जॉली ग्रांट थोड़ा बाहर पड़ता है। और ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जॉली ग्रांट भी जिनको मिला है, अगर आप ऊपर के बच्चे देखेंगे तो 549 से स्टार्ट हुआ है, इन मार्क्स पे अमृता भी अवेलेबल था और कुछ अच्छी डीम भी अवेलेबल थी। सो देखते हैं बच्चे क्या करेंगे। जॉली ग्रांट देखिए रिजल्ट बाद में आता है, राउंड 1 डीम के रिजल्ट आ चुके हैं, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो जेएलएन बेला का भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जा चुके होंगे, या कस्तूरबा के कैंपसेस या अमृता। तो असली कितनी सीटें लोग रिपोर्ट करेंगे ये पता चलेगा 4-5 दिन बाद, और जब अगला सीट मैट्रिक्स आएगा। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, क्योंकि अगर या तो किसी ने अप्लाई नहीं करा था राउंड 1 में तो उसका चांस ज़्यादा है, बट राउंड 1 में अगर आपने अप्लाई किया था और आपको नहीं मिला, दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी थे खाली जॉली ग्रांट अप्लाई किया था। मैं सब कहना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि श्री गुरु राम राय के बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो अगर आपके समझ लीजिए 340 नंबर है, 300-300 नंबर है, तो जॉली ग्रांट मिलना तो तकरीबन नामुमकिन रहेगा। हो सकता है कि आप श्री गुरु राम राय में राउंड 2 में पहुंच जाए और राम राय वाले हिमालयन जॉली ग्रांट पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा ये ट्रेंड चलता है उत्तराखंड में, प्रोवाइडेड कि हम कि वो कैश फ्लो मैनेज कर सकें। तो ये है उत्तराखंड, और फिर से मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये भी फ्री एग्जिट स्टेट है, बट चूंकि इसमें फिर भी 1 लाख रुपए देने थे पहले, तो सब लोगों ने नहीं भरा, जिसने भरा थोड़ा सोच समझ के भरा, और हाई कट ऑफ से मत घबराइए, ये सब राउंड 1 फ्री एग्जिट की वजह से होता है। और सरकारी तो 590 भी ही गया है फॉर जनरल बॉयज, 589 है फॉर जनरल वुमन, तो उनके लिए तो फाइट ही रहेगी। और उत्तराखंड भी अब ऑफ कोर्स राजस्थान दिल्ली हरियाणा से तो कम है, पंजाब यूपी से भी कम है, लेकिन हाँ हिमाचल से तो ज़्यादा ही है। और उतना ओपन, मतलब जो हमें लगता था कि हिमाचल की तरफ से भी आराम से सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज उत्तराखंड में थोड़ा सा तो भाई जो तराई का एरिया है, हरिद्वार देहरादून, दे आर एज गुड एज प्लेन्स, पॉपुलेशन काफ़ी रहती है, कई बच्चे हैं जो बाहर स्कूल से पढ़ने आते हैं देहरादून में, तो 10-12 अगर आप देहरादून से करते हो तो आपको कोटा लग जाता है देहरादून का, उत्तराखंड का ऑफ कोर्स वो कुछ कैटेगरी का रहता है, और इन सब की वजह से आप कंपटीशन है, मतलब हिमाचल जैसा नीचे नहीं है। ओके, सो बेस्ट विशेस, कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको ऐसे एनालिसिस रेगुलरली मिलते रहेंगे, और लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियोस को, और हमसे संपर्क करना चाहें तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। अगर आप अपने केस के बारे में, अपनी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं सिर्फ, तो यू कैन ऑलवेज बुक ऑनलाइन सेशंस, अ स्मॉल सेशन
जैसी फीस रहती है 2500 रुपये, फेस टू फेस आके मीटिंग करनी है तो 500 रुपये रहती है, अप टू 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ मीटिंग। एंड डेफिनेटली इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारे सर्विस लेना चाहें या हमारे चैनल को फॉलो करना चाहें, जो आपकी इच्छा हो। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।